आपको समझ में नहीं आता एक बार? अरे समझ तो आप लोगों को नहीं आ रहा है कुछ भी। एक बेकसूर निर्दोष इंसान पर इतना घटिया इल्जाम लगा रहे, वो भी बिना सच जाने। सच जाने बिना क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब मैं अपनी बीवी को बोल दूं कि तुम झूठ बोल रही हो और संजू बेगुनाह है? नहीं, और ऐसा क्यों कहूंगा मैं? क्योंकि उसकी बीवी ने ऐसा बोला है। मतलब मैं अपनी बीवी की बात ना मानकर किसी और की बीवी की बात मानूं, अपना घर धुलवा कर तुम्हारा घर बचा लूं, राइट? देखिए भाभी, इनसे बात करने का कोई फायदा नहीं। इनसे बात करना ना दीवार में सर मारने जैसे। ये लोग पता नहीं कौन सी पर्सनल दुश्मनी निकाल रहे मेरे वीरे से। आप हमेशा कहती है ना मुझसे। शो की कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि किस तरीके से राजीव पर मधुलिका के साथ गलत करने का इल्जाम लगा है। राजीव को जेल में डाल दिया गया है। राजीव अभी भी नशे में है, राजीव बेहोश है। लेकिन यहाँ पर जो मधुलिका का पति है वो परी से कहता है, अगर तुम भी फालतू बोलोगी तो तुम्हें भी जेल में डलवा दूंगा। अगर मेरी पत्नी कुछ कह रही है तो गलत नहीं कहेगी। ये सच कभी छुपता नहीं, एक ना एक दिन सच सामने आ ही जाएगा। दुनिया के सामने सच आ चुका है। और ये जो तुम्हारा भाई है ना, ये एक नंबर का। अब पूरी दुनिया जान चुकी है तुम्हारे भाई का सच। अब सिर्फ वेट करो सजा मिलने का। और ऐसी सजा दिलवाऊंगा ना, तुम्हारा पूरा खानदान याद रखेगा। सिर्फ आपके कहने से मेरे हस्बैंड गुनहगार नहीं हो जाते, और सिर्फ कंप्लेन करने से वो सजा के हकदार नहीं हो जाएंगे, समझे? वो बेकसूर है, और ये बात आज नहीं तो कल प्रूव होके रहेगी, क्योंकि एक निर्दोष को कभी सजा नहीं मिल सकता है। जो कह रही होगी सच ही कह रही होगी। यहाँ पर परी राजीव को कहती है, राजीव तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें 24 घंटे के अंदर जेल से बाहर निकालूंगी। राजीव को भी भरोसा है, क्योंकि इससे पहले भी परी जो है राजीव की मदद इस काम में कर चुकी है। ऐसे में जो नीति है इस बार वो बाजी मारना चाहती है। नीति कहती है अपने आप से कि बस बहुत हो चुका, मैं ही इस बार राजीव को जेल से बाहर निकालूंगी। अपने संजू के नजरों में मैं ही हीरोइन बनूंगी। आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा बड़ा ट्विस्ट, जहां पर परी या फिर नीति आखिरकार कौन निकालेगी राजीव को जेल से बाहर, ये देखना होगा। वाकई काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग। फिलहाल के लिए तो राजीव अपने जुल्म को कबूल करेगा नहीं, क्योंकि अगर उसने अपने जुल्म को कबूल किया तो यहाँ पर वो गलत साबित होगा। और सच बात भी यही है कि राजीव ने जब कुछ किया ही नहीं, तो कितना भी कुछ कर लो तो राजीव अपना जुर्म कबूल नहीं करेगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताइए और कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब।